सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पैटर्न इसलिए हमने कहा कि जिन जहाँ जहाँ जिन जिन सीबीएसई में तो एनसीईआरटी चलती है, जिन जिन बोर्ड्स जो बोर्ड्स एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। दूसरी बात, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों यूज़ करेंगे। तो अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा और जो बोर्ड जो मीडियम जिसके लिए सुटेबल हो वो मीडियम आप एडॉप्ट कर लीजिएगा। दोनों वर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी वाले इंग्लिश सुन सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी ना सुने, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। नहीं, हिंदी टिंगल वर्ड होता है ना, हिंदी वालों को तो इंग्लिश आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। देखिए, क्लास नाइन्थ में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ 1, 2, 3, 4। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से ना कटे, विषम संख्याएं। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, जो दो से कट जाएं, सम संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से कटें और वन से कटें, दो अलग अलग नंबर से कटें, अपने आप से कटें और वन से कटें, दो अलग अलग नंबर से कटें। फिर समझ लीजिएगा, वन प्राइम नहीं है, क्यों? वन अपने आप से कटता है और वन से कटता है, लेकिन दोनों नंबर सेम है, अपना आप भी वन है और वन भी वन है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर कंपोजिट क्या? भाज्य संख्याएं, जो अपने आप से कटें, वन से कटें और किसी और नंबर से भी कटें, अलग अलग नंबर से, ठीक है, इसलिए वन कंपोजिट भी नहीं है। फिर आपने को प्राइम पढ़ा, ठीक है, तो वो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। वो इंट्रोडक्शन पार्ट नाइन्थ क्लास का हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको पूरी साइज मत देखिएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा नंबर सिस्टम का क्या होता है, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं। एक मैथमेटिशियन थे मिस्टर यूक्लिड। ये वो दौर था जब लोग मैथ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते थे, तो उन्होंने एक ज्योमेट्री के बारे में बात की थी। आपने नाइन्थ क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी होगी। आज बात करने हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। ये लेमा वर्ड जो है उसको पहले हम बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं विभाजन, यूक्लिड तो नाम ही है, इसको कहते हैं विभाजन। डिवीजन का मतलब भाग करना होता है, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेय से बना हुआ है प्रमेयिका, ठीक है। अब आप इंग्लिश वाले प्रमेयिका कहेंगे तो सही, ठीक है, लेमा ही ठीक है, ठीक है। ये लेमा क्या होता है? कहते हैं लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ लेमा is a proven statement which is used to prove any other statement। पहले मतलब समझिएगा फिर हम बता रहे हैं। स्टेटमेंट मतलब अगर हिंदी में कहें तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूफ है, सिद्ध किया जा चुका हुआ है, पहले से सिद्ध किया हुआ कोई स्टेटमेंट है और जिसकी सहायता से किसी और को आप सिद्ध करते हैं। कैसे? जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में प्रूफ कर रखा है कि ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, हिंदी में कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो हमने प्रूफ कर रखा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हिंदी में लिखें तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्रूफ कर रखा है, ये पाइथागोरस ने प्रूफ किया था, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूफ है, आपको प्रूफ नहीं करना है। लेकिन अगर हमको पी निकालना हो तो पी कैसे निकलेगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अगर आपको यहाँ से मान लिया लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो ये निकालने के लिए आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देना है। तो यानी ये आपका एक तरीके से एक लेमा है कि हम एक प्रूफ कर चुके हैं, उसकी हेल्प से किसी और को निकाल रहे हैं, ठीक है। पी अपने आप ही निकल आया, तो इसको लेमा कहते हैं। यूक्लिड ने अपना एक डिवीजन लेमा दिया, विभाजन प्रमेय का दिया। हम बहुत बचपन से इसको पढ़ते आए हैं, बहुत नई चीज नहीं है, बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा ये मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी वाले अपना वर्ड देखें, इंग्लिश वाले अपना वर्ड देखें, क्योंकि वीडियो दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि मान लिया 5 को आपको 2 से डिवाइड करना है,
तो टू टू जार फोर और ये वन बचेगा, है ना, ये पढ़ा है ना आपने। और जब इसको वेरीफाई करना होता था तो आप इसका इसका मल्टीप्लाई करते थे, यानी इस टू से टू को मल्टीप्लाई करते थे और उसमें से ये जो रिमाइंडर है उसको जोड़ देते थे तो फाइव के इक्वल होता था। ये आप करते थे वेरीफाई करने के लिए। यही चीज वो यूक्लिड ने बोला भैया ऐसे इसको ऐसे बजाय ऐसे लिखो, नई चीज नहीं है, वही चीज है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा शर्त एक है, ये जो बचा है ना इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शेषफल। बार बार हम शेषफल नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे केवल, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये कभी भी टू के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये टू के बराबर होता ना तो टू वन जा टू फिर कट जाता, ये जीरो हो सकता है। अगर यहाँ पर छः होता, अगर यहाँ पर छः होता और दो से डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ जीरो हो सकता है, यानी इसका मान जीरो होगा या उससे इससे छोटा होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूक्लिड साहब ने जो बताया, यूक्लिड साहब ने ये बताया, देखो ध्यान से, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई नंबर ए ले लीजिए, ठीक है, और इस नंबर को बी से डिवाइड करिए तो कुछ बार जाएगा, उसको क्यू मान लेते हैं, तो जो यहां बचेगा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। ये आप यूक्लिड साहब ने कहा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिविडेंड, डिविडेंड भाज्य, जो जिसको भाग किया जा रहा है डिविडेंड कहते हैं। इसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है भाजक, ठीक। इसको कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, इसको कहते हैं शेषफल। हर उसमें आपको फल मिल रहा है, भाग करने पर भाग का फल मिल रहा है, फल दे दो, शेष के बाद शेष का फल मिल रहा है, नहीं वो वाला फल ये नहीं है, फ्रूट वाला। तो इसमें ए को क्या लिखा जा सकता है, ए को लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर, लिख सकते हैं भाई, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, बी क्यू प्लस आर, और आपको इक्वल टू ए मिल जाएगा, अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ जो है ना वो या तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी। आर इस भाई यहाँ पर अगर पूरा पूरा कट गया जीरो आ जाएगा, बी के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि बी के बराबर आएगा बी उसको फिर काट देगा, ठीक है। तो ये आपका मेन डिवीजन लेमा यूक्लिड ने बताया था कि अगर कोई नंबर ए है उसको बी से डिवाइड किया जा रहा है और वो क्यू टाइम्स जाता है और आर रिमाइंडर बचता है शेषफल, तो यानी कि बी और क्यू का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए और आर को प्लस कर दीजिए तो आपको ए मिल जाएगा। और आर की वैल्यू, ये मेन कंसेप्ट है कि जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता, बी से छोटा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, ये है क्या लफड़ा। एक और वर्ड आया हुआ है, दूसरा एक वर्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हिंदी में भी एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, इसमें होता है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप जैसे डिवाइड करते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हम कहें आपसे कि सब्जी बनाने के एल्गोरिथम लिखिए, तो आप कहेंगे पहले हम सब्जी जाएंगे, सब्जी लेंगे, फिर सब्जी लाएंगे, फिर सब्जी धोएंगे, फिर सब्जी काटेंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर कढ़ाई चलाएंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसमें मसाला डालेंगे, मसाला पकाएंगे, सब्जी डालेंगे, कढ़ारेंगे, पानी डालेंगे और सब्जी तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये अरे गैस जलाई थी, हाँ गैस जलाई थी, तो ये आपका एल्गोरिथम होता है। किसी भी कार्य करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और चूंकि यूक्लिड का जो भाग भागफल का एल्गोरिथम है वो उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम एससीएफ निकालते हैं। एससीएफ दो नंबर का निकालते हैं जिसको कि आपने महत्तम समापवर्तक पढ़ा था। इसका तरीका समझ लीजिएगा, ये आप बचपन से पढ़ चुके हैं। अगर दो नंबर का आपको मान लिया दो और सात है, या दो और सात का आपको एससीएफ निकालना है, तो एक तो फैक्टर मेथड था कि भाई दो को ले सकते हैं एक इंटू दो और सात को ले सकते हैं एक इंटू सात, दोनों में कॉमन फैक्टर है वन, तो इसका एससीएफ क्या हो जाएगा, वन। ये पढ़ा था आपने, ये फैक्टर मेथड है, गुणनखंड विधि है। लेकिन भाग विधि से, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते थे, टू से सेवन को डिवाइड करते थे, टू थ्री जा सिक्स एक बचेगा,
सिर्फ एक से टू को डिवाइड करते थे, एक टू जा टू, जब जीरो बच जाता था ना, जो बाद में जिसे डिवाइड करती थी वो उसका एससीएफ होता था। ये जो डिवाइजर है ना, बाद वाला, सबसे लास्ट वाला, जो यहाँ पर रिमाइंडर को जीरो कर दे, वो उसका एससीएफ होता था। तो हम यूक्लिड मेथड से स्टेप बाय स्टेप करके हम एससीएफ निकालेंगे, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसलिए उसको एल्गोरिथम यूज किया गया है, ठीक है? तो डिवीजन लेमा समझ में आ गया। डिवीजन लेमा का मतलब होता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और उसकी सहायता से क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है। अब बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, इतना ही पर्याप्त है। अब एक्सरसाइज हम डायरेक्ट बात करते हैं, 1.1 एक्सरसाइज, और क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लेंदी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक हैं, समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करिए और इन दो नंबर का एससीएफ निकालिए। यूक्लिड को यूज करना है आप, ठीक है? क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप करेंगे कि 135 को डिवाइड कर देंगे 225 को, 135 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो आएगा 135। माइनस करना आपको आता है, कितना आएगा, पाँच पाँच गया जीरो, यहाँ क्या बचेगा 12 में, 3 गया 90, तो 90 आएगा ना, और कुछ बचेगा? इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये ध्यान रखिएगा, ये बाद में लिखिएगा, एक जैसा लिखिएगा, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिसको डिवाइजर कहते हैं, वो पहले लिखिएगा। लिख सकते हैं आप, क्या करेंगे, अब हमने अभी क्या कहा था, हमारा जो तरीका था कि 90 से बता डिवाइड करते हैं 135 को, ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिवाइड करने का तरीका होता है, लेकिन यार डिवाइड ऐसे करेंगे नहीं हम, करेंगे ऐसे ही लेकिन अगले स्टेप में डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करिए डिवाइड का, आप एक में नहीं करेंगे, फिर 90 से डिवाइड किसको करेंगे आप, 135 को, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर बचेगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये लिखेंगे और प्लस ये करेंगे, तो आपको 135 मिल जाएगा, अभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है? आप क्या करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, दो बार जाएगा, 90 आएगा और यहाँ जीरो बच जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 प्लस 0। अभी हम क्या बता रहे थे, हमने कहा था अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, शेषफल जीरो आ जाता है, तो जिस नंबर से आपने फाइनली डिवाइड किया है ना, वही आपका एस सी एफ होगा। तो यहाँ पर जो एस सी एफ होगा, जिसको कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं, क्या आएगा, वो आएगा 45। तरीका समझ में आया, ये यूक्लिड मेथड से करना है, ठीक है? अगर ये नोट कर लीजिए पहले, अगर यूक्लिड की ये बात ना करते ना, नोट कर लिया ना, अब देखिए ध्यान से, अगर यूक्लिड की बात ना करते तो हम ये पूरी ड्रामा यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ, अगर यूक्लिड की बात नहीं करेंगे तो, कि 90 बचा था, 90 डिवाइड करके 135 को यहाँ लिख देंगे, एक बार जाएगा 90 बचेगा, 45 बचेगा, 45 से 90 को डिवाइड कर देंगे, दो बार आएगा 90 आएगा, और जो लास्ट वाला नंबर होगा यही एस सी एफ होता है। लेकिन ये चूंकि यूक्लिड की बात करें, एल्गोरिथम की बात है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप करिए, डिवाइड करते जाओ, तो हमको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहला नंबर हो गया, 135 और 225 का एस सी एफ निकालना, ये डिवीजन मेथड होता है, और चूंकि यूक्लिड क्या है, इसलिए बाय स्टेप लिखा गया है। अगला जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट है 196 और मल्टीप्लाई और 38220, 196 और 38220, इसका आपको एस सी एफ निकालना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप क्या करेंगे, 196 से डिवाइड कर दो 38220, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, अब कितनी बार जाएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो एक बार ले जाएंगे, ये 196 आएगा, इसको माइनस करोगे, माइनस करने से क्या आएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 9 8 17, 8 186 आएगा। उसके बाद यहाँ से दो उतारेंगे, भाई देखो 19 दहम का करोगे तब तो पूरा पूरा 1960 हो जाएगा, जो कि संख्या छोटी है, तो 9 बार ले जाइए इसको,
नचाक 54 के 4, हाथया 5, नौनवा 81, 81 5 86, हाथया 8, 9 8 17। अब हाथ आया मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसलिए हिंदी में बोल दिया है। अब हाथ आया मतलब कैरी जिसको आप कहते हैं, कि 1764 आया, माइनस करोगे तो 12 में 4 गया, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 5, ये आएगा 5 बचेगा 50, 6 5 बचेगा, आएंगे 15, 9 6 15, 9 बचेगा और कुछ नहीं 98 बचेगा, है ना। फिर 98 यहाँ से 0 उतारोगे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 एक 5 4 9, 0 आ गया। इसको क्या ले सकते हैं आप, 38,220 को ले सकते हैं। पहले ये नंबर लिखेंगे आप 196 इंटू 195 प्लस 0, और हमने क्या कहा अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वही एस सी एफ हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट एस सी एफ क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 196। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। अगला दिया है 225 और 867, इसको अपने आप करिएगा, नहीं हम तो बताने जा रहे हैं लेकिन इसको छुपा लीजिएगा, अपने आप करके तब चेक करिएगा, ठीक है। क्या तरीका होगा, पहले 225 से डिवाइड करोगे 867 को, कितनी बार जाएगा ये डिवाइड करके बताइए, 3 बार जाएगा, 35 15, 3 2 6 1 7, 3 2 6 माइनस करो कितना आएगा, तो ये आएगा 102, ये 2 आएगा। यहाँ पे एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, 600, 3 2 6, अच्छा 35 15, 225 है ना, 867 है, 3 बार ले गए, 35 15 आता है 1, 3 2 6 1 7, 3 2 6, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 16, 16 में क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट किया आपने, 867 और 255 है, क्वेश्चन चेंज है, 255 है, सॉरी 255 है। तो 35 15 और 35 15 एक 16 और 3 2 6, ये आएगा, ये 2 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। वैसे तो यहाँ पर डिवाइड का साइन बना करके इसको यहाँ लिख देंगे लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 867 को क्या लिखेंगे, 255 इंटू 3 प्लस 102, इतना इंटू इतना प्लस इतना, ये तो होता है ना, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम है इसलिए हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 102 से 255 को डिवाइड करिएगा, 102 से 255 को डिवाइड करिएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाओ तो कितना आएगा, ये 204 आएगा, 5 4 गया 1, ये 51 आ गया। तो इसको क्या ले सकते हैं आप, 255 को लिखा जा सकता है 102 इंटू 2 प्लस 51। आप क्या करेंगे, 51 से 102 को डिवाइड करेंगे, 51 को 102 से डिवाइड, उल्टा बोल रहा हूँ, 102 को डिवाइड करेंगे, 51 दूनी 102 होगा, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, 102 को 51 इंटू 2 प्लस 0। अभी हम क्या कर रहे थे कि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वही उसका एस सी एफ होगा, तो एस सी एफ कितना आएगा, 51। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम से आपने किया है, लेमा उसे यूक्लिड मेथड से, और अदरवाइज हम क्या करते, देखिए आप करिएगा नहीं जो हम करने जा रहे हैं, अगर आपसे केवल एस सी एफ पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 102 आ गया था, हम इसको क्या करते, 255 को यहाँ लिखते, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो आएगा 204, ये बचेगा आपका 1, 51, 51 से 102 को डिवाइड करते तो 2 बार जाएगा, 102 आएगा 0, ये आपका एस सी एफ हो जाता। लेकिन ये अप्लाई यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यूक्लिड से आप गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन वो कह क्या रहा है ध्यान से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कह रहा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 वेयर क्यू इज द सम इंटीजर। क्या कह रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी एक नंबर है जो धनात्मक है, विषम पूर्णांक है मतलब ऑड नंबर है, उसको आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, या तो वो 6q+1 होगा, या तो 6q+3 होगा, या तो 6q+5 होगा, ये विषम संख्याएं हैं हमेशा। अब ये आपको प्रूव करना है,
तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिक्स से सुखी संबंध है तो सिक्स का कुछ मतलब है, तो हमको एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो कैसा हो, वो इंटीजर हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी द नंबर, ए जो है एक नंबर है, ध्यान से समझिएगा। अगर ए नंबर है तो अगर मैं इसको सिक्स से डिवाइड करूं तो कुछ बार जाएगा, वो कुछ बार जाएगा ना, क्यू बार, और यहां बचेगा रिमाइंडर, और इसको, और जो रिमाइंडर होगा इसको लिखा किस फॉर्म में जाएगा, ए को लिखा जाएगा सिक्स इंटू क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर के छह के बीच में होती है, यही तो हमने बताया, यानी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन सिक्स, इक्वल टू सिक्स नहीं, छह नहीं हो सकती, छह से छोटी होगी, ठीक है। अब दिखाना यह है कि इसमें ऑड कौन होगा, इवन कौन होगा। देखिए ध्यान से, जब आर को रखेंगे जीरो, रखता हूं आर का मान जीरो, तो ए क्या आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी सिक्स क्यू प्लस जीरो। अच्छा, सिक्स क्यू में टू अलग कर दीजिए और थ्री क्यू अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत, ये कोई नंबर आएगा ना, जब आप थ्री क्यू लिखोगे तो कोई नंबर आएगा ना, और कोई भी नंबर टू से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बनता है, सम संख्या बनती है, यानी ये तो इवन नंबर है ना, एक ऐसा संख्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, यानी सम संख्या है, तो सिक्स क्यू के फॉर्म में आ गई। अब आर को मैं वन लिखता हूँ, आर को वन लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, सिक्स क्यू प्लस वन। अब ध्यान से देखिएगा, इसको टू इंटू थ्री क्यू कर दें, ये संख्या कैसी होगी, दो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी वो नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा, और उसमें से आपने प्लस वन कर दिया, ये कोई संख्या होगी ना, इसको आप के मान सकते हो, ठीक है, अभी मानेंगे नहीं हम, तो एक ऐसी संख्या होगी, ये ऑड नंबर होगा नहीं होगा, विषम संख्या होगी नहीं होगी, विषम संख्या है कि नहीं है बताइए भाई, कोई भी दो का मल्टीप्लाई करिए, दो एक कम दो तीन चार, दो तीन छः, तो इवन नंबर आएगा ना, क्योंकि वो नंबर दो से कट गया, और उसमें से प्लस कर दो, किसी भी इवन नंबर में प्लस कर दो तो नंबर कैसा हो जाता है, ऑड हो जाता है, यानी सिक्स क्यू प्लस वन कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर हो गया। चलिए आर को टू रखिए, सब रखने पड़ेंगे आपको, आर को टू रखिए, आर को टू रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स क्यू प्लस टू, यहाँ से टू कॉमन ले लो तो थ्री क्यू प्लस वन। अब देखो थ्री क्यू प्लस वन एक नंबर आएगा ना, उस नंबर को आपने क्या किया है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया है, और टू से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो संख्या कैसी हो जाएगी, वो इवन हो जाएगी ना, यानी ये इवन नंबर होगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, एक बार लिख दिया हमने, ये इवन नंबर होगा, ठीक है। आर को रखो थ्री, तो थ्री रखोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आएगी सिक्स क्यू प्लस थ्री। अब देखो ध्यान से, सिक्स क्यू प्लस टू अलग कर दो और वन अलग कर दो, जानबूझ के वन अलग किया जाएगा, वन सब में अलग किया जाएगा, और सिक्स क्यू में से टू कॉमन ले लो तो थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन। देखो ध्यान से, ये थ्री क्यू प्लस वन है, एक नंबर आएगा ना, कुछ संख्या आएगी, उस संख्या को टू से मल्टीप्लाई करो तो जो संख्या आएगी इवन होगी ऑड होगी, वो इवन नंबर होगा ना, क्योंकि दो से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो दो से डिवाइड भी हो सकता है, और उसमें से प्लस वन कर दिया, नंबर कैसा आएगा, नंबर आएगा ऑड नंबर, ठीक है। अब जरा इधर रब करेंगे, जो राइटिंग गंदी इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं, इसको रब करेंगे हम, क्योंकि आर का मान अभी फोर फाइव सिक्स तक, फोर और फाइव और रखना है आपको। अब देखिए आर को रखिए फोर, आर को फोर रखेंगे तो ए क्या आएगा, सिक्स क्यू प्लस फोर, यहाँ से टू कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा थ्री क्यू प्लस टू। अब देखो ये कोई नंबर आएगा, नंबर को मल्टीप्लाई किया टू से, इसका मतलब ये नंबर टू से डिवाइड भी हो जाएगा, अगर इसको टू से डिवाइड करेंगे ना तो टू टू कट जाएगा, इतना बचेगा, दूसरी तरीके समझ लीजिएगा, अगर इस नंबर को टू से डिवाइड करते ही तो टू टू कट जाएगा, ये नंबर बचेगा, डिवाइड मतलब भाग करना होता है, तो ये संख्या कैसी आएगी, ये इवन नंबर आएगी। आर को रखो फाइव, तो आएगा ए की वैल्यू क्या आएगी, सिक्स क्यू प्लस फाइव, इसमें वन अलग कर दो, सिक्स क्यू प्लस फोर अलग और वन अलग, इसमें से टू कॉमन ले लो तो आएगा थ्री क्यू प्लस टू प्लस वन। अब देखो ये पूरा नंबर दो से डिवाइड हो रहा है, यानी ये सम संख्या है, और उसमें से प्लस वन हो रहा है तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जितने भी ऑड नंबर हैं उसका फॉर्मेट क्या है, सिक्स क्यू प्लस वन है, सिक्स क्यू प्लस थ्री है और सिक्स क्यू प्लस फाइव है, यही तो आपसे कह रहा है,
कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो 6q+1, 6q+2, 3 और 6q+5 के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हिंदी वाले में पढ़ लें। लिखा है इन एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च, यानी एक आर्मी की टुकड़ी है उसमें 616 लोग हैं, उन्हें मार्च करना है। 1-2-1, 1-2-1, ये आप जानते हैं। बिहाइंड अ बैंड, आर्मी बैंड है उसमें 32 लोग हैं, मेंबर्स इन अ परेड, मतलब आगे आगे बैंड वालों को चलना है, उनके पीछे पीछे मार्च करना है आर्मी की टुकड़ी को। द टू ग्रुप्स आर मार्च, दो ग्रुप में उन्हें मार्च करना है, दो ग्रुप में मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो लाइनें बनानी है सेम होनी चाहिए, जैसे पहले ग्रुप में 4 लाइनें बैंड वालों की हैं तो पीछे 4 लाइनें आर्मी वालों की हैं, आगे में 4 लाइनें बैंड वालों की हैं तो पीछे 4 लाइनें आर्मी वालों की हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पंक्तियाँ निकालनी है, रोज निकालनी है, कॉलम निकालनी है जिसमें वो मार्च करें। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों के समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं। समझिएगा, बैंड के लोग हैं 4 लाइनों में खड़े हो गए, बैंड के लोग 2 जगह ब्रेक हो गए, 4 लाइनों में खड़े हो गए, तो उन्हीं के पीछे आर्मी की टुकड़ी को खड़ा होना, 4 ही लाइनें होनी चाहिए, ये मार्च कर रहे हैं। इसके बाद जो बचे हुए बैंड वाले वो 4 लाइनों में खड़े हो गए, उनके पीछे आर्मी वाले खड़े हो गए। तो एक्चुअली में तो आपको निकालना क्या है, 616 और 32 का SCF निकालना है, लेकिन आप कहेंगे अच्छा ये तो मालूम हो गया आपको, हम समझेंगे कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं मानूं कि ये 32 लोग तो हैं आपके आर्मी के बैंड वाले, ठीक, और वो इतनी पंक्तियों में चल रहे हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ये कितनी पंक्तियों में है, एन पंक्तियों में चल रहे हैं, एन कॉलम्स हैं। एक्चुअली में कॉलम ऐसे लंबे लंबे होते ना, वैसे इसलिए कॉलम कहा गया, ऐसे पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे बनाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसके पीछे 616 जो है वो आपके आर्मी के हैं, तो वो भी कितनी पंक्तियों में चलेंगे, जितनी पंक्तियों में ये चल रहे हैं, एन पंक्तियाँ ये भी हैं, एन कॉलम्स हैं। ठीक है, और अब देखिए अगर 32 लोगों को आप 4 लाइनों में खड़ी करते हैं तो संख्या चेंज हो जाएगी, हर एक लाइन में 8-8 होंगे, और 616 करेंगे तो चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा इसमें हर एक लाइन में एक्स आर्मी वाले बैंड वाले हैं, और इसमें हर एक लाइन में वाई आर्मी वाले हैं, बैंड मतलब आर्मी वाले बैंड वाले तो आगे हैं, तो इसका मतलब कुल बैंड वाले कितने हो गए, एन इंटू एक्स। अगर हम 32 को लिखें तो क्या लिखेंगे, एन इंटू एक्स। ठीक है, और अगर हम 616 को लिखें तो n इंटू वाई, और दोनों में n क्या है, कॉमन फैक्टर है ना, n क्या है, कॉमन फैक्टर है, और आप जानते हैं दो संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर लिया जाता है, जो गुणनखंड लिया जाता है, उसी को तो SCF कहते हैं, यानी कि जो n है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं का SCF है। समझ में आई बात, आपने पढ़ा है अगर 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 6 को लिखेंगे 2 × 3, तो जो कॉमन नंबर होता है उसी को SCF कहा जाता है, तो कॉमन फैक्टर n है, यानी n SCF हो गया, तो आपको इसका SCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक। समझ में ये बात नहीं आई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला जाए 616 और 32 का महत्तम, ये निकालना आपको सिखाया गया है, आप यूक्लिड लगा सकते हैं चाहो, और चाहो यूक्लिड ना लगाओ, तो हमसे यूक्लिड तो बोला नहीं, तो काहे को यूक्लिड की हम बात करेंगे, तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा 32 से किसको डिवाइड कर दोगे, 616 को, तो कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार ले जाएंगे, 32 आएगा, 11 में 9-2 गए, 9-2 11, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गए, 2 बचेगा, 9-2 11, 3-2 5 1 6 पे 6 उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 9-2 18 और 9-3 27 1 28, 16 में 8 गया 8, 8 ही बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 8 ही बचेगा। इसको चूंकि यूक्लिड का चैप्टर है, थोड़ा यूक्लिड को सम्मान दे दो, लिख ही दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। 616 को क्या ले सकते हैं, 32 × 19 + 8। अब क्या करते हैं, 8 से 32 को डिवाइड करते हैं, 8 से
32 को डिवाइड करते हैं, तो 8 चौक 32, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको क्या लिखेंगे 32 को, 8 × 4 + 0, तो यानी एस सी एफ क्या आ गया, एस सी एफ आ गया 8, यानी कि 8 कॉलम्स बनाए जाएंगे, 8 कॉलम बनेंगे और 8 कॉलम 8 लाइनें बनेंगी जिसमें बैंड वाले होंगे और पीछे 8 लाइनों में आर्मी बैंड वाले होंगे, ठीक है, उसके पीछे मार्च करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज यूक्लिड डिविजन लेमा, मतलब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और द फॉर्म ऑफ 3m+1 वेयर m इज एनी इंटीजर। किसी भी नंबर का वर्ग, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसका वर्ग करें तो या तो 3m के फॉर्मेट में आएगा या 3m+1 होगा। m कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा, कि कोई भी नंबर है a, उसका स्क्वायर करिए तो जो भी नंबर आएगा वो या तो 3m आएगा, मतलब 3 का गुणांश होगा, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, या 3 × something + 1 आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। तो पहले 3 का कुछ मतलब है, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। हम एक नंबर ए मान लेते हैं, लेट ए बी द नंबर, ए बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, यानी ए एक धनात्मक संख्या है। ए क्या है, हमने एक धनात्मक संख्या मानी। अब अपनी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, ए को 3 से भाग करेंगे। देखो ये फेयर वर्क नहीं है, आप चाहो तो भाग करो, डिवाइड करो, चाहे ना करो। मैं कुछ समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे करेंगे। तो कुछ टाइम से जाएगा, कुछ टाइम से आएगा, क्यों, कोई भी संख्या हो सकती है, और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब ए को क्या लिखा जा सकता है, ए को लिख सकते हैं 3q+r, और r का मान यहाँ क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो r को 0, 1, 2 लिख सकते हैं। तो r को जब हम 0 लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, आएगी 3q+0, ठीक है। r को जब 1 लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3q+1। r को हम 2 लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3q+2। लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है ये वाला जो संख्या स्क्वायर करो, देखो इनमें से कोई एक फॉर्म आएगा, इस वाले का स्क्वायर करोगे इनमें से कोई एक फॉर्म आएगा, इस वाले का स्क्वायर करोगे उसमें से कोई फॉर्म आएगा। तो हम पहले a की वैल्यू 1 लेते हैं, तो पहले a स्क्वायर फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, a स्क्वायर करते हैं 3q का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर कर रहे हैं 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या आएगा, 9q² आएगा, नहीं आएगा, 9q² में 3 अलग कर दो, ये 3q² बचेगा। अब बताओ ये एक संख्या ही तो होगी ना भाई, क्यों एक संख्या है, उसका स्क्वायर करोगे 3 से गुणा करोगे, तो यानी कि ये किस फॉर्म में आ गई, 3m फॉर्म में आ गई। तो ये तो आपसे कह रहा है कि ये 3m फॉर्म में है, यानी आपने इसको क्या मान लिया है, m मान लिया है, मतलब यहाँ जो m माना गया है वो किसको माना गया है, 3q² को माना गया है, ठीक है। अच्छा सेकेंड में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ए स्क्वायर हम करने जा रहे हैं किसका, 3q+1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9q² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6q। अब देखो ध्यान से, 3 कॉमन लेना है आपको, तो हम क्या करते हैं इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्यों नहीं कॉमन लेंगे, जानबूझ करके। तो यहाँ क्या बचेगा, 3q² बचेगा प्लस 2q बचेगा प्लस 1 बचेगा। ये कोई संख्या आएगी ना, कुछ भी आएगा, जब q का मान कोई संख्या है, यहाँ पर कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे तो कोई नंबर आएगा ना। तो यानी ये क्या आएगा, 3m+1। देखो 3m+1 का फॉर्मेट आ गया, ये तो आपसे कह रहा है। अब जरा थर्ड में इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं, यहाँ करते हैं थर्ड वाला 3q+2 का स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट में हम करने जा रहे हैं ए स्क्वायर करेंगे 3q+2 का स्क्वायर, खोलो इसको तो आएगा 9q² प्लस 4 प्लस 3 × 6 = 12q। अब देखो ध्यान से, अब 3 कॉमन लेना है, 1 अलग करना है, इसको हम क्या करेंगे, 9q² प्लस 12q, इस 12 को 3 अलग करेंगे, 3 अलग करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये कोई संख्या आएगी ना, इसको 3m+1 लिख दिया। अब बताइए, जब मैंने 3 वाले कॉन्सेप्ट को लिखा, a को 3q+r लिखा, तो a का स्क्वायर किया, तो या तो 3m के फॉर्मेट में आया या तो 3m+1 आया, ये तो आपसे कह रहे हैं
कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव नंबर का तो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, यही आपको निकालना था, ठीक है। ओके, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा कहता है कि यूज यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करिए, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m एंड 9m प्लस 1। किसी भी इंटीजर का, किसी पूर्णांक का घन करना है, क्यूब करना है, यानी किसी भी पूर्णांक का घन करना है, ए क्यूब करना है, तो या तो ये 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा। अब आप कहेंगे 9 से डिवाइड करो, अब एक बड़ी दिक्कत है, अगर मैंने इसको 9 से डिवाइड किया ना, अगर मैंने यहाँ 9 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 9q प्लस आर, और आर का मान क्या होगा, 0 से लेकर के 9 से छोटा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या लिखनी पड़ेगी, और 9 संख्याओं का घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। हम अगर 3 का क्यूब कर दें, 3 * 9 = 27, तो उसमें 9 कॉमन हो सकता है। अगर मैं 3 का क्यूब कर देता हूँ, अगर इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ और 3 का क्यूब कर देता हूँ तो उसमें 9 कॉमन हो सकता है ना, इसलिए हम यहाँ 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 9 मिल रहा है। तो हमने कहा सपोज करिएगा एक नंबर है, एक इंटीजर है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और हमने 3 से डिवाइड किया, तो ए को क्या लिखा जा सकता है, 3q + r, और r का मान क्या होगा, greater r = 0 < 3, तो r का मान या तो 0 लिखेंगे, या तो 1 लिखेंगे, या तो 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 से छोटा चाहिए ना। देखो r को रखिए 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3q, r को रखिए 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3q + 1, r को रखिए 2, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3q + 2। अब इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक, फर्स्ट स्टेज में हम ये रब कर देते हैं, रास्ते में गड़बड़ करेगा, ये फेयर वर्क करोगे तो समझ में आएगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ए का क्यूब करेंगे, यानी कि 3q का क्यूब करेंगे, तो 3 * 9 = 27 q³ आएगा ना, 27 में से 9 कॉमन ले लोगे तो 3q³ आएगा। ये एक नंबर है कि नहीं है, कोई नंबर ही होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आएगा, तो यानी इसको 9m लिखा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड दे देखिएगा, स्टेप ना लिखिए, फर्स्ट ये करेंगे, सेकेंड में जो ए क्यूब करने जा रहे हैं वो हम किसका क्यूब करेंगे, 3q + 1 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 27q³ + b³ + 3 * a * b * a + b, पढ़ा है ना आपने, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, इसको ओपन करो, था राइटिंग गंदी है, देख लीजिएगा, 27q³ + 1 + 3 * 9 q, और अंदर जाएगा 27 q² + 9 q। देखो इस 1 को अलग कर दो, और इससे इससे और इससे 9 कॉमन ले लो, 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q² + 9 * 27, 3q + q + 1, एक संख्या आएगी नहीं आएगी, ये कोई संख्या आएगी ना, m कुछ भी मान लो आप, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये 9m + 1 आ गया। तो आपसे कह रहा था कि संख्या या तो 9m होगी या तो 9m + 1 होगी, सेकेंड नंबर हो गया। आप थर्ड नंबर लेते हैं, ठीक है, इसको दो स्टेप नोट कर लीजिएगा, देखिए थर्ड नंबर क्या आएगा, थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, थर्ड में ए क्यूब करेंगे, यानी कि 3q + 2 का क्यूब करेंगे, तो a³ + b³, ए क्यूब मतलब 27q³ + 2 * 4 * 8 + 3 * a * b * a + b, खोलिए इसको, तो आएगा 27q³ + 8 + 3 * 9 = 27, 27q इन ब्रैकेट 3q + 2, ब्रैकेट खोल दीजिए उठा करके, 27q³ + 8 + 27 * 3, सही है ना, हाँ सही होगा, 3 * 27 * 3 कितना, 3 * 21 = 7 * 21, और 3 * 6 = 2 = 8, 81q² + 54q। अब आपको यहाँ से 9 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले, यहाँ से 9 कॉमन ले, यहाँ से 9 कॉमन ले, तो 9 कॉमन लेंगे क्या आएगा, ये आएगा 9 * 27, 3q³ + यहाँ से 9 कॉमन लिया, 9q² +
अच्छा जो 6 क्यूब प्लस 8, तो ये भी एक संख्या आएगी ना, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये एम टाइप की कोई संख्या होगी, इसको लिखेंगे 9m प्लस 8। ये तो आपसे कह रहा है कि या तो 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 4-5 हुआ। इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हुई। टेक्निकल है थोड़ा सा, डिवीजन लेमा टेक्निकल है, नया नया वर्ड है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में, आप सॉरी कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम दोबारा इसको समझा देंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।